दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है, आप लोगों की जो वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से आ रही है। यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, एक तरफ जो पेपर कटिंग है उसकी तरफ से नोटिस आ रहा है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन हम लोग जानेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को पहले क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट हमारे एलिजिबल हैं वही वीडियो को कंटिन्यू करें, जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। गाइस वीडियो को लाइक आप जरूर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और साथ ही जो स्टूडेंट इस वीडियो के लिए एलिजिबल हैं ये वीडियो उन तक पहुँच जाती है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही गाइस अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा या बीई बीटेक किया है तो ये उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं या फिर बीई वाले कैंडिडेट हैं या बीटेक वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेटेस्ट जॉब आ रही है गाइस, ये जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वायरल जॉब हो रही है यहाँ पर, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या है कि एक ये पेपर की तरफ से जल निगम की तरफ से कटिंग आ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा चीज़ क्लियर बताने वाली हूँ, किस तरीके से पूरी बातें जो है क्लियर करूँगी कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी वैकेंसी रहेगी, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं ब्रांच बता देती हूँ, जिससे कि जो ब्रांच एलिजिबल वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करें। देखिए ब्रांच अगर बात करें, जैसे हमारी कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या फिर मैकेनिकल है या फिर सिविल है, ये ब्रांच वाले स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग की पोजिशन जो रहने वाली है जेई की पोजिशन रहेगी, मतलब जेई और एई की पोजिशन रहेगी। ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसीलिए मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। बाकी मैं आप लोगों के लिए तभी वीडियो लेकर आती हूँ जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल था, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर वीडियो देखी इस चीज़ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से देखा जाए किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ एलिजिबिलिटी, तो मैं आप लोग को यहाँ पर पूरा क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो गाइस इसका जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं पूरा। बाकी आप लोग को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि गाइस आप लोगों को कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर देती हूँ, तो आप लोगों को यूट्यूब पर बार बार जो है सारे नोटिफिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटेगा भी नहीं। साथ ही कोई किसी भी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है तो मैं उसके लिए भी आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग जो कोई स्टूडेंट है नहीं फिलअप कर पाता है या भूल जाते हैं तो उन लोगों को याद रहे कि वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। काफ़ी सारे फॉर्म ऐसे होते जो स्टूडेंट हमारे भूल जाते हैं, तो उन लोगों को वहां पर सारी चीजें आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो गाइस वीडियो की जो लिंक है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये आप लोग की एक पेपर कटिंग है, यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की तरफ से आ रहा है और यहाँ पर जो आप लोग ये देख पा रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, साथ में आप लोग को डेट भी दी गई है 19 अप्रैल दिया गया, लेटेस्ट है गाइस क्योंकि ये अभी का निकाला गया है। उसके बाद बात करें गाइस जो आप लोगों की पोजिशन रहने वाली है, असिस्टेंट यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी सिविल वालों के लिए, साथ में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेगी, जूनियर इंजीनियर सिविल की रहने वाली है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोग का वेतन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लाइक आप लोग का यहाँ पर जो वेतन रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर तीन ब्रांच एलिजिबल है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये ब्रांच एलिजिबल है और सैलरी देखिए यहाँ पर जो है आप लोग की 54,000 और उससे प्लस ही बैठेगी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए 43,000 के करीब आप लोग की सैलरी बैठ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आप लोग की पोस्ट मतलब कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सिविल वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए है 53 वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए 7 है जो हमारे विद्युत वाले हैं और यहाँ पर मैकेनिकल वाले उनके लिए 7 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 300 प्लस पोस्ट दे रखे हैं गाइस, 340 प्लस हैं आप लोगों की, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर 61 पोस्ट निकाली गई हैं, ये आप लोगों का एक तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। साथ में आप लोगों को ये भी बताया गया है जो हमारे प्रयुक्त मतलब देखिए इच्छुक यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो लोग यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल मतलब 22 अप्रैल से लेके जो है जो हमारी 6 जो आने वाली है 6 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन किस तरीके से करना है मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोग को डिस्कस करूंगी, बट मेन चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ आप सभी के लिए।
तो गाइस अब मेन बात तो मैंने ये सारी चीजें बता दी, बट यहाँ पर काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, मैं जो कौन जो हमारे बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल है। तो गाइस मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, ये बात एलिजिबल है बट यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है, वो कंडीशन क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग का 6th पे कमीशन, सबसे पहले देखिए ये रहेगी आप लोगों की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या है, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्टार्टिंग में 1 ईयर का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया अधिकतम 1 वर्ष की यहाँ पर जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग का एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लगभग मैं बता दूँ 5 से 6 साल तक तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सभी सेक्टर प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 400+ वैकेंसी है आप लोगों की। तो यहाँ आप लोगों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस दिया जाएगा। और इसमें मेन चीज ये गाइस, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट काफी सारे जो हमारे यहाँ पर जो न्यूज बताई जा रही है कि फ्रेशर एलिजिबल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें फ्रेशर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप में लिखा गया 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त, मतलब यहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव मतलब जो है एक्सपीरियंस होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए अगर इसका जो है, ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है, अगर जो इसका मेन नोटिफिकेशन आता है अगर उसमें फ्रेशर एलिजिबल होते हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी। बाकी इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग तो आप लोग 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फ्रेशर एलिजिबल नहीं है। अगर जो है मेन नोटिफिकेशन आता है तो गाइज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आप लोग को वहाँ पर इन्फॉर्म करती रहती हूँ। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।